Hello, welcome to Maths by Rishi. We're doing indefinite integration, and this is what we did in the previous class when we have anything of the form, जैसे कि आपके पास composite functions होते हैं और उसको integrate करना होता है. Differentiation में बड़ा easy होता है. आप क्या करते हो, वहाँ chain rule apply करते हो, but यहाँ तो chain rule होता ही नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, substitution use करते हैं. और अगर f of gx है, g dash x भी अगर हमारे पास साथ में है, तो हम लोग उसको कैसे use करते हैं, हम उसमें gx को u लेके यूज करते हैं और फिर आगे इंटीग्रेट कर डालते हैं ना, दैट इज डन बाय सब्स्टिट्यूशन. उसी के दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास हैं कि अगर f dash x dx upon fx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log of fx, fx की पावर n into f dash x dx है तो ये क्या हो जाएगा, fx की पावर n plus 1 upon n plus 1. एग्जैक्टली fx को अगर आप t लेके u लेके आप आगे बढ़ोगे तो एग्जैक्टली यही इंफॉर्मेशन आपके पास आती है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस क्लास. देन हमने कुछ रिजल्ट्स डिराइव किए थे, डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से साइन एक्स कॉस एक्स पहले से जानते थे, टेन एक्स हमने देखा था क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स, कॉट एक्स इज लॉग ऑफ साइन एक्स, सेक एक्स इज लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एंड कॉस एक्स इज व्हाट, लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स. ये कुछ रिजल्ट्स हमने लास्ट क्लास में देखे थे. ओके, इन सबको देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ कैन वी डील विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू हियर. So, let's say, randomly हमारे पास यहाँ पे ये जो expression है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है x square and x plus 2. ठीक है, अब देखो chain rule भी नहीं है और integration में हमारे पास ऐसा कोई product rule भी अभी तक हमने नहीं सीखा है ना. तो यहाँ पे एक ही चीज है आपके पास, एक ही tool है जिससे कि आप इस तरह के equation को deal कर पाओगे. और वो tool क्या है, वो टूल है आपके पास सब्स्टिट्यूशन का. राइट, जो भी चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमेशा या तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं या फिर जो दूसरी चीज है उसी फॉर्म में उसको लाने की कोशिश करते हैं. जैसे यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, इसको मैं कुछ एक्स प्लस टू के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा. ठीक है, आओ चलो करके देखते हैं, लेट्स डू इट. तो एक्स स्क्वायर को मैं x प्लस टू के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो जरा सोचते हैं कैसे लिखें भाई. x प्लस टू के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे सबसे पहले चाहिए होगा एक 2x, ना 4x चाहिए होगा, है ना, ध्यान से देखना. ठीक है, बहुत रिलैक्स होकर के देखना. हमारे पास है क्या, हमारे पास है एक्स स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, हमें x प्लस टू के फॉर्म में चाहिए. ठीक है, तो मैंने इस एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर तो रहने दिया, साथ में मैंने 4x लिखा और मैंने 4 लिखा. अब अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते, अगर 4x लिखा है तो माइनस 4x भी करना पड़ेगा, प्लस 4 लिखा है तो माइनस 4 भी करना पड़ेगा. अच्छा, इससे बेनिफिट क्या है, इससे एक बेनिफिट तो ये है कि ये जो x स्क्वायर है, एक मेरे पास ये आ गया, दिस इज x प्लस 2 होल स्क्वायर. मुझे x प्लस 2 किसी भी तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा परफेक्ट. और क्या करें, अगर मैं यहाँ पे 4 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास x प्लस 1 आता है. प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है कि x प्लस 1 आता है, हमें तो x प्लस 2 चाहिए. अच्छा भाई कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना, x प्लस 2 चाहिए. तो क्या करें, प्लस 1 कर देते हैं, माइनस 1 कर देते हैं, प्लस 1 किया और माइनस 1 किया. ठीक है, ध्यान रखो ये x स्क्वायर ही है, बस उसको लिखने का तरीका हम लोग चेंज कर रहे हैं x प्लस 2 के फॉर्म में. हर चीज या तो x प्लस 2 को हटा दो या फिर हर चीज x प्लस 2 के फॉर्म में ले आओ. दो ही तरीके होते हैं कभी भी प्रॉब्लम से निकलने के, या तो सिचुएशन के हिसाब से आप ढल जाइए या फिर सिचुएशन को अपने हिसाब से ढाल लीजिए आप. ठीक है, तो यहां मैंने क्या देखा, ये इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये सब कुछ क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है. इस एक्स स्क्वायर को आपने थोड़ा सा एक्स प्लस टू के फॉर्म में, हर चीज को एक्स प्लस टू के फॉर्म में लाना चाहते हो, क्यों, बिकॉज एक्स प्लस टू से डील करना आसान है. ठीक है, अच्छा माइनस फोर के साथ आपके पास एक एक्स प्लस टू आया, समझने की बात तो ये है. और माइनस वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर का, तो मुझे क्या देगा, प्लस फोर देगा. इस तरीके से इस एक्स स्क्वायर को आपने ऐसा लिखा. अब सोचो ये इंटीग्रेशन कितनी अच्छी हो गई, राइट, इंटीग्रेशन कितनी अच्छी हो गई, एक्स स्क्वायर की जगह पे आपके पास ये वैल्यू आ गई, राइट, विच इज एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू प्लस फोर. ठीक है, ये आपके पास ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसको इंटीग्रेट करके हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू से. अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, अब जो चीजें आएंगी इसको डील करना बहुत आसान है और हम में से सब लोग इसको डील करना चाहते हैं. आइए देखते हैं,
अंडर रूट यहाँ पे टू है, मल्टीप्लाई करूंगा 1/2, सो 2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 5/2 हो गया। तो यहाँ मेरे पास आ गया x प्लस 2 की पावर 5/2, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ कितना आया माइनस फोर टाइम्स ऑफ x प्लस 2 प्लस 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3/2, सो दैट इज x प्लस 2 रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है, यहाँ साथ में dx आप करते चलो, सब सेपरेट हमारे पास इंटीग्रेशन आ गए। ये कितना हो गया, ये मेरे पास आ गया प्लस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, पावर कितनी, पावर हाफ। नाउ इज इट इंटीग्रेबल, 100% यस, एनीवन कैन इंटीग्रेट दिस, राइट। अच्छा आंसर क्या होगा भैया, आंसर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 5/2 प्लस 1 करूंगा कितना आएगा 7/2 आएगा, अपॉन 7/2, तो 7 इधर 2 इधर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास माइनस 4 है, यहाँ पे कितना होगा x प्लस 2 3/2 प्लस 1 कितना होगा 5/2। अच्छा भैया, सो x रेज टू दी पावर 5/2 अपॉन 5/2, तो 2 4s आ यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, चलेगा ना, चल जाना चाहिए। यहाँ पे भी सिमिलरली x प्लस 2 प्लस 1 करूंगा तो पार हो जाएगी 3/2 अपॉन 3/2, तो 3 तो ठीक है, 4 2s आ यहाँ पे भी 8 आ जाएगा प्लस सी। So that is how we should be dealing with this question, right? Give me a yes or no in the chat box if it is clear. मैं एक बार answer भी देखता हूँ, तो ठीक ही होगा, but still एक बार calculation हमने कोई silly mistake ना की हो, तो एक बार देख लो मैंने क्या same लिखा है कि नहीं। 2/7 x plus 2 raised power 7/2 minus 8/5 plus 8/3, कुछ similar सही मेरा भी लग रहा है ना? एक बार आप फिर भी check कर लो, ठीक ही लग रहा है, it seems fine. तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जरा मुझे ट्राई करके बताओ कैसे डील करोगे, है ना। अब यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ऊपर 2x माइनस 1 है, बस सोचना है, राइट। मैं बार बार कहता हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तुम्हें इनडेफिनेट पॉसिबिलिटीज देता है सोचने की, जितना इसको प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना मजा आएगा, और एक बार इनडेफिनेट पे पकड़ हो गई तो इसके बाद की जितनी कैलकुलस है, डेफिनेट है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एरिया अंडर बाउंडेड रीजन, सब का सब एकदम ईजी है। इनडेफिनिट में टाइम लगाया, प्रैक्टिस किया, वो सब वहां पे काम आता है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देख के बताओ मुझे, टेल मी। सो फोर्थ क्वेश्चन में अब प्रॉब्लम 2x से भी नहीं है, 1 से भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये x माइनस 1 का फॉर्म बन जाए तब तो बड़ा अच्छा रहेगा, है ना। x माइनस 1 का फॉर्म बन जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर 2x माइनस 2 और प्लस 2 हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, प्लस 2 नहीं प्लस 1 होना चाहिए ना, बिकॉज जो एक्सप्रेशन है उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज द एक्सप्रेशन, तो माइनस 1 था तो मैंने एक माइनस 1 एक प्लस 1 किया, इससे मेरे पास ऐसा आ गया। अब आप में से कुछ लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि मैंने ये माइनस 1 प्लस 1 क्यों किया, राइट। इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि अभी तुम अगर देखो 2 को अगर जैसे कॉमन लोगे तो ये तो x माइनस 1 आ गया ना, राइट। और नीचे तुम्हारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो है ही, और साथ में ये प्लस 1 वाली चीज को अलग से ले जाओ ना, राइट। ये कितना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इन पूरी चीज को आप इंटीग्रेट कर रहे थे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू dx। सो दिस इज गॉन, राइट, दिस एक्चुअली इज रिड्यूस्ड टू अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, दिस इज ट्वाइस ऑफ dx ओवर x माइनस 1, and this is your dx upon x minus 1 whole square. ठीक है, this is what, this is twice of log of x minus 1, and this is what x minus 1 minus 2 plus 1, यानी कि minus 1 upon minus 1 plus c. थोड़ा simplify करना चाहो तो कर सकते हो, you have a scope ln of x minus 1 minus 1 upon x minus 1 plus c. That should be taken as the final answer. All right? बिल्कुल सही है अनुष्का, well done. बिल्कुल सही है. ठीक है? आइए थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर, इसका क्या करेंगे, तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 तो काफी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, जरा सोचते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, राइट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में जरा ओवरली सोच के देखो, मैं कर नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट। कैसे सोचोगे, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन अंडर रूट के बाहर है इसको हम x प्लस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना, वैसे जैसे अभी पीछे क्वेश्चन करा था। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब तो फिर भी ठीक है, यहाँ पावर 23,
ओहो दिस इज प्रॉब्लमेटिक। तो पता है मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या बोला, या तो उसको हटा दो या फिर उसी के फॉर्म में ढल जाओ। जहां भी रहो लाइफ में, या तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाओ, या फिर सिचुएशन को अगर कंट्रोल कर सकते हो तो उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल दो। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा सा इन्होंने पार बड़ा करके दिखने में डिफिकल्ट बना दिया। डिफिकल्ट है नहीं, दिखने में डिफिकल्ट है, राइट? ये इन्होंने बोला। तो मैंने आपको क्या सजेस्ट किया, अब देखो, अब ये 1-x के फॉर्म में इसको लेके आना ठीक है, हो तो जाएगा, बट मुझे उससे भी एक आसान तरीका सोचता है, हो तो जाएगा, वो भी हो जाएगा, राइट? माइनस साइन कॉमन लेकर के प्लस माइनस वन करके हो जाएगा, बट उससे भी एक आसान तरीका यहाँ पे दिख रहा है। तो चलो देखते हैं क्या दिखता है, कि 1-x को ही मैं इस बार अगर टी मान लूं तो कैसा रहेगा, है ना? इससे मुझे ये समझ में आता है कि एक्स को आई कैन से 1-t, है ना? और ये बात भी समझ में आती है कि dt by dx की वैल्यू मेरे पास माइनस वन हो जाएगी। सो मैंने क्या किया इस बार पिछली बार अभी तक क्या कर रहे थे, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग ढल रहे थे, और इस बार सिचुएशन को ही अपने अकॉर्डिंग हमने डाल दिया। देखिए जैसे ही अब क्या करना है, x को यहां से हटा देना है, बिल्कुल खत्म कर देना है, फिनिश x। सो x की जगह पे क्या रखोगे, इस x की जगह पे 1-t and 1-x is what, it is t, so that will become what, t cube, yeah, t raised to the power 23, ठीक है? dx कितना है तुम्हारे पास, -dt, so minus sign से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास t-1 हो जाएगा। now this can be handled by anyone, even a child can handle this, right? t raised to the power 24 minus t raised to the power 23 into dt, finish, कितना आंसर हो जाएगा, t raised to the power 25 upon 25 minus t raised to the power 24 upon 24 plus c. And don't forget to substitute the value of t. What was t? 1-x. So final answer आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था 1-x की power 25 divided by 25 minus 1-x raised to the power 24 divided by 24 plus c. I hope everyone among you is getting all this. ठीक है, अगर समझ में आ गया तो 10th question की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बताइए, सोच के बताइए 10th question कैसे डील करोगे? Okay, we are dealing with question number 10th now. Question number 10th. This expression is taken as I. ठीक है, now we want to see क्या हो सकता है। ये एक्सेस पर 1/3 बड़ी प्रॉब्लम लग रहा है ना, थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक सा लग रहा है, बट अगर थोड़ा सा सोचें तो मैं एक्स रेज टू दी पार 1/3 को अगर टी लेके देखूं, अच्छा इसको टी लूं या माइनस वन को ही टी ले लूं तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, है ना? तो चलो ऐसा करते हैं, जो भी चीज आसानी से हमें सब्स्टिट्यूट हो रही है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, परेशान नहीं होने का कभी भी, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं dt/dx के बारे में बोलूं तो dt/dx कितना होगा, 1/3, राइट? 1/3 एंड एक्स रेज टू द पावर 1/3 - 1, है ना? सो एक्स रेज टू द पावर -2/3, ऐसा ही होगा। अच्छा, मैंने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूट करो, तो सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर डालो, डोंट लीव एनीथिंग, ठीक है? तो इससे मुझे क्या समझ में आता है कि मैं इसको लिख सकता हूं 1/3 एक्स रेज टू दी पावर 1/3 की पावर 2। आई होप यू गेट दिस, ठीक है? अच्छा भाई, तो ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको भी अगर टी लेता, एक्स की पावर 1/3 को भी अगर टी लेता तो भी मेरे पास dt/dx इतना ही आता, है ना? तो भी सिर्फ बिकॉज माइनस वन तो वैसे ही चला गया। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात होती है, कभी हटा दिया कभी लगा दिया, तो इसलिए हटाया क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं इसको टी लेता हूं तो ये देखना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा मेरे लिए, दैट दिस इज थ्राइस ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है? एंड नाउ आई वुड लाइक टू सब्स्टिट्यूट dx। तो देखो dx मेरे पास राइट हैंड साइड पे है, इधर मेरे पास dt के साथ कितना आएगा, 3t स्क्वायर, ठीक है? 3t स्क्वायर dt। नाउ आई वुड बी सब्स्टिट्यूटिंग एवरीथिंग इन द इंटीग्रैंड, i की जगह पे dx की जगह पे कितना आ गया, दैट इज 3t स्क्वायर dt, ठीक है?
डिनोमिनेटर कितना है, दिस इज योर टी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टी माइनस वन, दिस इज टी माइनस वन, ठीक है बच्चों? ओके, अब देखिए ये वाला टी तो गया, ये बड़ी अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड। तो ये एक्सप्रेशन तो बचपन से ही आप डील कर रहे हैं, थ्री टाइम्स ऑफ टी डी टी अपॉन टी माइनस वन, ठीक है? तो अब क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत है क्या? एक बार माइनस वन कर डालो और एक बार प्लस वन कर डालो, भूलना मत ये थ्री कंप्लीट में है। तो प्लस वन करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, डी टी अपॉन टी माइनस वन। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर एनी वन अमंग यू एंड हेंस द आंसर शुड लुक लाइक दिस। तो ये टी माइनस वन अपॉन टी माइनस वन गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ टी बचा, ठीक है? और यहाँ कितना आ गया हमारे पास, एल एन टी माइनस वन, एल एन ऑफ टी माइनस वन प्लस सी। अब टी को वापस से लेके आओ, टी कितना था, एक्स की पावर वन बाई थ्री, सो दिस शुड बी थ्री टाइम्स एक्स रेज टू द पावर वन बाई थ्री प्लस थ्री टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर वन बाई थ्री माइनस वन प्लस सी। That should be the final answer. Check करें, देख लो। Three times this plus three times of this and plus C. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। So I hope you get these things right. कितने आसानी से आप कर सकते हैं। I hope you realize that. Tell me a yes or no if it is fine. जल्दी से बताओ chat box में।